खबर आ रही है अहमदाबाद केस से जुड़े हुए। आपको बता दें यहां पर सजा का ऐलान हुआ है और इस पूरे मामले पर अहमदाबाद 2008 ब्लास्ट केस में दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है और 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2008 ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी की सजा। आपको बता दें 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 अलग अलग जगहों पर विस्फोट हुए थे। 56 लोगों की उसमें मौत हुई थी। 246 लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हुए थे और उसके बाद दोषी करार देने के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है। गोपी गांगर हमारे साथ जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। गोपी, गोपी आपको आवाज मिल रही है, क्या कुछ कहा गया आज कोर्ट में इस सजा के ऐलान के वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि कोर्ट के जरिए आज बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैसला हम कहेंगे। यूएपीए के तहत यानी अनलॉफुल एक्टिविटी जिसे टेररिज्म के लिए माना जाता है, उसके तहत 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। देश के इतिहास में पहली बार होगा कि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट के जरिए यह फैसला लिया गया है और अहमदाबाद में 2008 का जो ब्लास्ट का मामला था जिसमें 56 लोगों की मौत हुई थी, करीब 200 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे, 20 अलग अलग जगहों पे, करीब 45 मिनट के अंदर 20 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। इसी मामले में कोर्ट ने करीब जो पिछली सुनवाई थी 8 फरवरी को ये सुनवाई हुई थी, उसमें जो 77 लोग थे उसमें से 49 लोगों को कन्विक्ट करते हुए आज उसकी सजा तय करने का फैसला लिया था और कोर्ट ने आज फैसला लेते हुए 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। हिस्टोरिकल फैसला हम कह सकते हैं अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट का ये फैसला है क्योंकि आतंकवादी प्रवृत्तियों के साथ ये जुड़े हुए लोग थे। आईएम का, इंडियन मुजाहिदीन का जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल को गुजरात पुलिस के जरिए क्रैक किया गया था और उसके बाद अलग अलग लोगों को 77 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अभी भी कुछ और लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, लेकिन जो गिरफ्तार हुए थे 77 लोग, उनमें से 49 लोगों को कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, उसमें से 38 लोगों को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है।